जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकादश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय मैं अंक शास्त्र के अनुसार, न्यूरोलॉजी के अनुसार अंक चार का लेकर आया हूँ। अंक चार का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन उसमें इतनी विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। आज मैं उस पर आपके धन संबंधी, दाम्पत्य जीवन, लव संबंधी और कैरियर का कैसे चुनाव किया जाए, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने आज का यह वीडियो बनाया है। तो अधिक विलंब न करते हुए आज का टॉपिक, आज का जो लेख है वो आपके सामने प्रस्तुत है। वैसे आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मूलांक चार कैसे बनता है। जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म दिनांक 4 तारीख को, 13 तारीख को या फिर 22 तारीख, 31 तारीख, इन में से किसी में भी, एक में भी यदि जन्म हुआ है तो ऐसे जातक का मूलांक 4 कहलाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख में जन्म लेने वालों का मूलांक 4 कहा जाता है। अब मूलांक 4 का व्यक्तित्व जो होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेता हूँ। ऐसा व्यक्ति, वैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है, लेकिन आज थोड़ा और विस्तार बता रहा हूँ स्वभाव के बारे में। वो है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और ऐसा जातक रहस्यमय होता है। रहस्यमय क्यों होता है ये बता देता हूँ थोड़ा। मूलांक 4 का अधिपति यानी कि मूलांक 4 जो होता है उसका स्वामी राहु होता है। राहु एक रहस्यमय ग्रह है और यह जब भी देता है अचानक देता है। ये जीवन में जो भी कार्य करता है अचानक छप्पर फाड़ कर देना, सारा राहु का कार्य कहा गया है। तो 4 की नंबर 4 पे मूलांक 4 वालों के लिए यह राहु किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित करता है, उनका जीवन कैसा रहता है, इसके बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे जातक शीघ्र ही गुस्सा आ जाता है, ऐसे जातकों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत जल्दी शांति भी हो जाता है। ये जब गुस्सा आता है तो ये आपा खो बैठते हैं और अपने विवेक से बिल्कुल भी काम नहीं लेते हैं और गुस्से के कारण ही ये अपने परिजनों को, मित्रों को शत्रु तक मान बैठते हैं। जन है, मित्र है, इनसे कभी कभी खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और इनमें एक कमजोरी जो है, इनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही कमज़ोर होती है, निर्णय स्वयं ले नहीं पाते हैं, इसलिए ये दूसरों की सलाह पर ही चलकर कार्य करते हैं। दूसरों की सलाह बिना ये कार्य जो करते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। अब 0 जैसे 4 अंक वाले जो व्यक्ति हैं, इनके जीवन में राहु के कारण अचानक आकस्मिकता और उतार चढ़ाव, इनके जीवन में उतार चढ़ाव विशेषकर आते ही रहते हैं और इनका जो नुकसान होता है इनके परिजनों, मित्रों के कारण ही हो पाता है और वह दुश्मनों की तरफ से नहीं, बल्कि इनका जो नुकसान होता है दुश्मनों की तरफ से नहीं बल्कि अपने ही परिजनों, मित्रों से इनको नुकसान तक उठाना पड़ता है। ये से होते हैं 4 नंबर के जातक। अब 4 नंबर के जातक जो होते हैं मूलांक 4 वाले, इनमें आलस्य की अधिकता रहती है, क्रोध जल्दी आता है और ये जो भी करते हैं निर्णय में लड़ने में जो मैंने बताया था अक्षम होते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं और इनमें थोड़ा सा कभी कभी अहंकार भी झलक पड़ता है, साहस की कमी इनमें रहती है और ये अचानक जो भी कार्य करते हैं धमाकेदार करते हैं। इनकी अचानक ही प्रगति होती है, जब इनकी प्रगति होने लगती है तो अचानक होती है और अचानक ही इनका पतन हो जाता है। इनकी जब भी एंट्री होती है तो अचानक ही हो पाती है, यानी कि ये जो भी कार्य करते हैं या हर क्षेत्र में इनके जो भी काम होता है वो अचानक ही होता है, ये सोच भी नहीं पाते हैं और वो कार्य हो जाता है। और 4 नंबर व्यक्ति वाले भरोसेमंद होते हैं, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। इनके पास, अब धन संबंधी बात कर रहा हूँ,
इनके पास जितना धन होगा उससे कई गुना ये दूसरों को बखान करते हैं, ये इनकी आदत है। वह कुछ बात जिस तरह से इनके पास जो धन आता है और वह कुछ समय तक ही टिक पाता है और अचानक चला भी जाता है, जिस तरह से इनके पास धन आता है वैसे ही चला भी जाता है। इनके पास जितना धन होता है वो अधिकतर बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं। इनके धन के संबंध में लोगों को प्राय भ्रम ही बना रहता है। यदि ये ऐसे जाता राजनीति में पर जाए, इनको थोड़ा राजनीति में रुचि रहती है, और यदि ये पूर्ण समर्पित हो जाए राजनीति में तो ये राजनीति में सफल तक होते देखे गए हैं। और राजनीति में यदि प्रवेश करते हैं तो राजनीति तो करते ही और अच्छे पद पर भी ये जा सकते हैं, और अच्छे पद के जाने के बाद ये जेल तक चले जाते हैं। इनमें दो प्रवृत्ति होती है, जब ये राजनीति में प्रवेश करेंगे तो राजनीति तो करेंगे ही, इसके अलावा सत्ता भी प्राप्त करेंगे, लेकिन अचानक इनको जेल जाना भी संभव हो सकता है। यह है इनका करियर के बारे में। इन्हें जीवन में कहीं बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। चार अंक वाले व्यक्ति जो होते हैं वो विचित्र प्रकार के प्रेमी होते हैं। अब मैं इनके लव से संबंधित बात करता हूँ। ये जो प्रेमी होते हैं ये विचित्र प्रकार के प्रेमी होते हैं। ये बिना सोचे समझे ही दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं, परंतु इनके प्रेम मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, और ये अधिकतर लव में प्रेम में असफल होते देखे गए हैं। यदि ये प्रेम करके लव मैरिज करना चाहे तो ये लव मैरिज नहीं कर पाते हैं। इनका जो प्यार है वो अधूरा ही रहता है। चार अंक वाले व्यक्तियों को 1, 2, 4 और 7 वाले व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए, और यदि ये प्रेम में सफल होना चाहते हैं तो इनको 6 अंक के जातक या जातिका से बचना चाहिए। यदि ये 6 अंक वाले से प्रेम कर बैठते हैं तो ये बुरे जाल में फंस सकते हैं, इनके साथ धोखा तक हो सकता है। यह है आपका प्रेम संबंधी जानकारी। अब आते हैं इनके दाम्पत्य जीवन के बारे में। इनका दाम्पत्य जीवन वैसे विचित्र प्रकार का होता है। इनके गुस्से के कारण, इनके स्वभाव के कारण इनके जीवन साथी से कभी कभी बन नहीं पाती है, और इनके अलगाव का कारण भी यह इनका गुस्सा या इनके स्वभाव ही हो सकता है। इसलिए ऐसे जातकों को दाम्पत्य जीवन के लिए यदि खट्टा मीठा अनुभव करते हैं और कड़वाट आए, अलगाव की स्थिति आए, तो ऐसे में इनको तुरंत उपचार उपाय कर लेना चाहिए। उपाय करने से इनको बहुत कुछ राहत मिल सकती है। ये इन 4 अंक वाले जातकों को किस क्षेत्र में अपना बिजनेस करना चाहिए, अपना कैरियर चुनना चाहिए या जॉब करना चाहिए, इसमें थोड़ी सी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उससे इनको बहुत कुछ लाभ मिल सकता है और ये लाभ उठा सकते हैं। 4 अंक वाले जो जातक होते हैं इनका स्वामी राहु ग्रह होता है, तो राहु से संबंधित यदि यह कार्य करेंगे, जॉब करेंगे, कैरियर अपनाएंगे या बिजनेस करेंगे तो इनको अच्छा लाभ होगा। अब कैरियर की बात चली, बिजनेस व्यापार या जॉब जो भी करना चाहे वो मैं पॉइंट वार बताता हूँ। इनके कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले ये राजनीति में जा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं और वक्ता तक, अच्छे कुशल वक्ता तक बन सकते हैं। और ये यदि बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब या कैरियर का चुनाव करना चाहते हैं, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित कार्य कर सकते हैं, मादक द्रव्यों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, और इनकी संस्थानों में व्यापार में ये बिजनेस या फिर जॉब कर सकते हैं। 4 अंक वाले जो जातक हैं वो अस्पताल और अस्पताल से संबंधित दवाइयों आदि का भी ये या उपकरण, अस्पताल से संबंधित जो भी आता है उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं, अपना कैरियर चुन सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ये रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं,
नौकरी कर सकते हैं और या फिर अपने इस क्षेत्र में अपना जॉब का चयन कर सकते हैं। अब आधुनिक दृष्टि से ये देखा जाए तो चार अंक वाले जातक जो सक्सेस होते हैं, इनको जो सफलता मिलती है वो होता है आज के कंप्यूटर युग में डिजिटल कार्य करें तो इनको सफलता मिल सकती है। नेटवर्किंग, मीडिया, मोबाइल संबंधित कार्य, जॉब, करियर का चुनाव कर सकते हैं। अब आकल्ट साइंसेज से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। इनमें काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण, व्यापार, इनसे संबंधित नौकरी कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में ये अच्छे सफल हो सकते हैं। माइनिंग, इरिगेशन, विद्युत यानी बिजली के संबंधित कार्य आदि विषयों में यह इंजीनियर के क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि इनको इंजीनियर के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियर बनना है, तो इनका जो क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल में जा सकते हैं, माइनिंग में जा सकते हैं, विद्युत से संबंधित ये कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये सफल होंगे। अब ये तो हुई करियर की बात, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इनके लिए कौन सा शुभ दिन है, तो इनके लिए शनिवार, रविवार और सोमवार, तीन शनि, रवि और सोमवार इनके लिए शुभ दिन है। जो भी कार्य करें या इनके होर में करें या इस दिन करें तो इनको सफलता मिल सकती है। अब इनको किस देवता का चयन करना है, कौन से देवता की आराधना करने से इनके कार्य सिद्ध हो सकते हैं, तो नंबर आता है श्री गणेश जी का। ये श्री गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे उसमें जरूर सफल होंगे। जो भी कार्य करें उससे पहले श्री गणेश का ध्यान करें, गणेश जी के सहस्त्र नाम का यदि रोज पाठ करते हैं तो इनको आश्चर्यजनक सफलताएं हर क्षेत्र में मिल सकती है। ये विष्णु भगवान का भी और साथ में सूर्यदेव, ये सूर्यदेव को आराधना करें, रविवार के दिन हो सके तो व्रत करें, तो इनको हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। यह है नंबर चार अंक वालों के लिए उनका भविष्य कैसा रहेगा ये जानकारी दी। जय श्री कृष्णा। अब अगले जो विस्तृत जानकारी के लिए अगला टॉपिक या अगले लेख के लिए जब आऊँगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। आप इस पर यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप कमेंट्स तक कर सकते हैं। कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।